प्यारे किसान भाइयों, ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं अराइज की, बोल्ड वैरायटी है और काफ़ी अच्छा इसके दाने का भराव आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखिए, एक बाल में कम से कम नहीं तो 300 से 350 दाने होंगे। और इसके जो पेड़ की लंबाई है वो भी मध्यम है, कोई ज्यादा नहीं है, समथिंग 3 फीट की होगी, 3 फीट की। और जल्दी आने वाली वैरायटी है, लगभग 120 से 125 दिन में पककर तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। यदि किसान भाइयों के खेत में पानी की सुविधा नहीं है तो आप इस वैरायटी का बोनी कर सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी आने वाली वैरायटी है। ये जल्दी आने वाली वैरायटी है और वजनी धान है ये। यदि आपके बोरी में कम धान आती है तो भी वजन रहता है इसका। और हमारे किसान भाई, आपका नाम? किशोरीलाल पटेल। किशोरीलाल पटेल जी हैं, हमारे खरमसेड़ा गांव के हैं और तहसील तो अपनी मरपाटन ही लगती है और जिला सतना मध्य प्रदेश के। यहाँ हमारा बहुत ही अच्छा धान का बेल्ट है और हमारे किसान भाई बहुत मेहनत करते हैं। धान के अलावा ये प्याज वगैरह भी खेत में लगाते हैं और ये हमारा खरमसेड़ा गांव खेती के मामले में बहुत अग्रणी गांव है जो मरपाटन क्षेत्र में आता है। और ये बहुत बड़ा गाँव है, लगभग यहाँ 7-8 हज़ार वोटर होंगे, है ना। और संयोग से हमारे किसान भाई से आज मुलाकात ही हो गई तो हमने जी तो संयोग से आज हमारे किसान भाई से मुलाकात हो गई तो हमने कहा चलिए खेत देखते हैं। और धान बहुत अच्छी है, किसान का दिल खुश हो जाता है जब धान अच्छी होती है, तो कोई भी फसल अच्छी हो तो किसान खर्च भी करते हैं, ऐसा नहीं है। धान में बदरा भी नहीं देखा, बदरा नहीं है, पूरे भराव है। कहीं कहीं कीटों का प्रकोप था जिस वजह से कालापन आ गया, दाग धब्बे आ गए हैं, ये जैसे कीट का प्रकोप के कारण ही टूट गया है ये वाला। ये इसमें क्या है, ईल वगैरह रहती है, काट देती है तो सूख जाता है। बाकी धान बदरा नहीं है, बहुत अच्छी है। अराइज की बोल्ड वेराइटी, काफी अच्छी वेरायटी, उत्पादन भी इसका समझ लीजिए 25 के समथिंग आ जाता है, 25 कुंटल प्रति एकड़ के समथिंग है इसका उत्पादन आता है। और किसान भाई काफ़ी ज़्यादा मनपसंद वैरायटी है इसका, काफ़ी भारत में कई जगह इसको लगाया जाता है इस वैरायटी को। और बहुत अच्छा लग रहा है, ये धान का पकने ही वाली है, अभी 6 अक्टूबर है आज, ये समथिंग है 10 दिन के अंदर पूर्ण रूप से पक जाएगी और 15 दिन में कट भी जाएगी ये धान। और फिर इसके बाद हमारे यहाँ गेहूं की बोनी भी होती है, प्याज भी लगाते हैं हमारे इस गांव में, प्याज के लिए बहुत ही अच्छा बेल्ट है। और